सुषमा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम अंदर ही अंदर कई बार महसूस करते हैं पर सामने कभी बोल नहीं पाते। ऐसी ही एक बात मेरे मन में भी है पर शायद मैं भी कभी तुम्हारे सामने ये कह नहीं पाऊंगा, इसलिए ये खत लिख रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूँ। कहने को तो इतना कुछ है पर तुम तो जानती हो शब्दों से मेरी कभी नहीं बनी, फिर भी कोशिश करता हूँ। मैं तुमसे बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं जो मैंने कभी नहीं कही। शुक्रिया, शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने का, शुक्रिया मेरा साथ निभाने का, शुक्रिया मुझे खास महसूस करवाने का, मेरा ख्याल रखने का, शुक्रिया उन अनगिनत बातों और प्यारी यादों को मेरे संग बांटने का और शुक्रिया मुझसे प्यार करने का। प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है, इस दुनिया में सबको नसीब नहीं होता और जिनको होता है कई बार वो इसकी उतनी कदर नहीं करते जितनी उन्हें करनी चाहिए, शायद हमने भी नहीं की। तभी हम फिजूल की बातें भी लड़ा करते थे, ऐसी बातों पे बहस किया करते थे जिनकी असल में हम परवाह तक नहीं करते थे। इन सब में हमने कितना समय बर्बाद कर दिया, ये जानते हुए भी कि हमारे पास एक सीमित समय ही है, हमने कभी उसका मोल नहीं समझा। वरना हम अपने झगड़े एक दूसरे से माफी मांगकर जल्दी सुलझा लिया करते, एक दूसरे के साथ ज्यादा और बेहतर समय बिताते, कुछ और प्यारी यादें बनाते, वो चीजें जो हमें पसंद थी वो कुछ और बार कराते, जैसे छत पे तारों को देखकर पूरी रात गुजारना, सुबह सुबह एक लंबी वॉक पे जाना, अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में जाना, साथ में गोलगप्पे खाना, थिएटर के कोने वाली सीट में बैठ के फिल्म देखना, नई नई जगह घूमना, हाथों में हाथ लिए ढलते सूरज को देखना, एक दूसरे को तोहफे देना और ना जाने क्या क्या। अगर हमें समय का मोल होता तो एक दूसरे के साथ बिता रहे हर पल को हम ज्यादा सराहते, पर हमने ऐसा नहीं किया, बहुत से लोग नहीं करते और फिर एक दिन पछताते हैं, जैसे आज मैं पछता रहा हूं। आज से 15 साल पहले जब मैं यह खत लिखने बैठा था तब मेरे शब्दों ने मेरा साथ नहीं दिया था, आज मेरे पास शब्द तो हैं पर शायद उनका कोई मोल नहीं, क्योंकि अब तुम मेरे साथ नहीं। सोच के लगता है कि जिंदगी कितनी बेहतर होती अगर ये खत मैंने तभी लिख के दिया होता जब तुम मेरे साथ थी। कितनी अजीब बात है ना कि दुनिया के लोगों को तो हम हर छोटी से छोटी बात के लिए शुक्रिया कहते हैं पर अपने साथी का उन अनगिनत चीजों के लिए कभी शुक्रिया अदा नहीं करते जो वो हमारे लिए करते हैं। अनजान लोगों से तो हम बहुत विनम्रता से बातें करते हैं पर अपनों से रुखे हो जाते हैं। कितनी अजीब बात है कि प्यार की असली कीमत हमें तब तक पता नहीं चलती जब तक वो हमसे दूर नहीं चला जाता।
Thanks for watching the video. If you like our work, share it with your friends. Give us your feedback by commenting on the video. And please do not forget to subscribe to our channel for more such videos.